मेरे मक्की मदनी सरकार के प्यारे दीवानों, हज के अक्सर अरकान और कुर्बानी ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादें हैं और कुर्बानी हमें बता रही है, हज के अरकान बता रहे हैं। अल्लाह के महबूब मकबूल बंदे जिस काम को जिस अंदाज से अंजाम देते हैं, अल्लाह वालों की यादों को मिटाया नहीं जाता बल्कि अल्लाह वालों की यादों को ताज़ा किया जाता है। और अल्लाह वालों की यादों को ताज़ा करना ये इस्लाम का तरीका है और अल्लाह वालों के तरीक़ों को मिटाना यह मुशरिकीन का तरीका है। रब फरमाता है मेरा जिक्र कसरत से करो। बंदा अर्ज करता है मेरे मौला जब 2400 घंटा तेरा ही जिक्र करेंगे तो जिक्र इब्राहिम कब करेंगे, फिर जिक्र इस्माइल कब करेंगे, फिर जिक्र मरियम कब करेंगे, फिर जिक्र मूसा कब करेंगे। तो फिर आतिफ़े गैबी से आवाज़ आती है मेरे बंदे मेरा जिक्र भी मेरा जिक्र है, नबी का जिक्र भी मेरा जिक्र है। नबी को खुदा से जुदा करना ये मुनाफिकीन का तरीका है। खुदा नबी से जुदा नहीं, जब आप नबी का जिक्र करते हैं तो वो भी खुदा का जिक्र है। ये कुर्बानी जो हज के मौके से होती है ये हज का शुक्राना है। सहाबाए कराम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है। मेरे आका फरमाते हैं ये हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है। फिर सहाबा फरमाते हैं या रसूलल्लाह इसमें फ़ायदा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम कुर्बानी करते हो कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पे बाद में गिरता है, रब की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है।